हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुहाना की रसोई हिंदी में। आज की रेसिपी है सुहाना पनीर टिक्का मसाला मिक्स। आज इसे हम बनाने वाले बिना प्याज और लहसुन के। ये एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनकर तैयार हुआ। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है और इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज होता है। सुहाना मसालों से बनी हुई हर रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर मैंने सुहाना पनीर टिक्का मसाला मिक्स का एक पैकेट लिया हुआ है, जिसमें आपको लहसुन और प्याज डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 50 ग्राम का पैकेट है, इसका प्राइस 40 रुपए है। इस मसाले के पैकेट को मैंने इस तरह कट कर लिया है। मसालों को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। मसाले के घोल को हम दूध से बना लेंगे। यहाँ मैंने एक कप दूध लिया हुआ है। दूध को एक साथ यहाँ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध करके हम मसाले का घोल तैयार कर लेते हैं। जितनी दूध की जरूरत है उतना दूध आप यहाँ मिला लें। इस तरह से यहाँ मसाले का घोल बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में हम डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल को यहाँ थोड़ा गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया। पनीर को हम यहाँ पर पहले फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर पनीर को हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे हल्का फ्राई करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे जो पनीर के पीस है वो हल्के फ्राई हो चुकी। इसी तरह हम सारे पीस को पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी इसी तरह फ्राई करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ से पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसी बचे हुए तेल में मैं 4 चम्मच तेल और डाल देती हूँ और इसे गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया था, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इस तेल में इसे डालेंगे और डाल के हम इस तरह से इसे चलाएंगे। गैस को फ्लेम को यहाँ मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम ढक्कन लगाकर टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे, आप देखेंगे टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके। इस तरह से हम इसे दोबारा चला देते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे सुहाना मसालों का पेस्ट। इसी मसाले वाले बर्तन से हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं और डालकर हम इसे चलाएंगे। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं ढक्कन लगाकर तेल छूटने तक। अब यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे, आप देखेंगे मसालों ने काफ़ी अच्छा तेल छोड़ा है। मसाले काफ़ी अच्छे से भूनकर तैयार हुए हैं। इसे हम इस तरह से दोबारा चला देते हैं। इसी तरह से मसालों को अच्छे से भूनकर हमें तैयार कर लेना है। इसे फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम पानी ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पर इसे चला देते हैं और ढक्कन लगाकर ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ढक्कन हटाएंगे, आप देखेंगे ग्रेवी अच्छी से गाढ़ी हो चुकी। इसे हम चलाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर हम पनीर की पीसेज इस तरह से रख देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच बटर। बटर डालने से जो पनीर टिक्का मसाला है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें। और डालकर हम इसे अच्छे से इस तरह से चलाएंगे। आपको इसकी ग्रेवी में नमक नहीं डालना है, क्योंकि सुहाना मसालों में नमक पहले से ऐड होता है। अब यहाँ पर हम ढक्कन लगाएंगे, ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे, आप देखेंगे जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम एक बार इस तरह से चला देते हैं। आप देख सकते हैं पनीर टिक्का मसाला कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। इसको और भी ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच ये फ्रेश क्रीम है। इससे जो पनीर टिक्का का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे भी ज़रूर डालें। और डालकर हम इसे इस तरह से चलाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेस्टी यहाँ बनकर तैयार हुआ है। गैस के फ्लेम को यहाँ मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे इसी तरह सिर्फ 2 मिनट पका लूँगी। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम पर सुहाना पनीर टिक्का मसाला मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे, नान, चावल किसी के साथ भी खाएं, सबके साथ आपको ये पनीर टिक्का बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको हमारी ये डिलीशियस सी रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।